तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं अली का शहर लुधियाना। ये है पिंड कबद्दी। तो स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ बाहर खिलौनों की बहुत सारी दुकानें लगी हैं। जैसे कोई नतमस्तक होने आता है या कोई दर्शन करने आता है, तो ये बच्चों के लिए बाहर खिलौनों की दुकान बहुत अच्छी अच्छी लगी है। 10 रुपये में कोई भी खिलौना यहाँ पे है। तो देख सकते हैं, लेडीज़ का भी सामान है, जेंट्स के कड़े वगैरह, अंगूठियाँ वगैरह, मालाएँ वगैरह बहुत कुछ है यहाँ पे। देखिए, ओम नमः शिवाय जैसे लिखा है किसी किसी ब्रेसलेट पे, मतलब अच्छी चीज़ें हैं देखने के लिए। यहाँ पे कुछ गरीब लोग लगा के बैठे हैं कि चलो यहाँ बैठ के जो भी आ रहे हैं दर्शन करने, हफ्ते में एक बार मेला लग रहा है। तो ये देखिए, अली का शहर, करबलाए अब्बास आलमदार कमेटी। ये देखिए, लंगर के लिए रखे हुए बर्तन। और ये सामने ही देख सकते हैं आप हमारे के लंगर बनाती हुई ये जो औरतें हैं, ये देखिए सामने रोटियां पक रही हैं, सब्जी अंदर ये इस कमरे में बन रही है। और ये भाई साहब लगा रहे हैं अंगीठी में लकड़। और ये आपके सामने नज़ारा पहला अली के शहर का जो बना हुआ है, ये गुंबद टाइप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे आके दर्शक अपना जो भी होते हैं श्रद्धालु, वो तेल वगैरह लेते हैं, अगरबत्ती वगैरह लेते हैं। तो ये देखिए हमारे साथ है भोला भाई। भोला कैसे है, ऊपर देखो बेटा भोला। हाँ, खुली अगरबत्ती मिलती है यहाँ पे क्या? अच्छा, ये हम आपको अंदर के और ले चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो जंगले के साथ बैठे हैं, कह रहे हैं इस जंगले को पकड़ने से ना कोई भी बुरी साया आपके ऊपर, वो कोई भी आत्मा भूत प्रेत वगैरह का या कोई भी किसी का जादू टोना किया हुआ है दूर हो जाता है। और ये अंदर ही इनकी मजार बनी हुई है, अंदर का भी बहुत अच्छा नज़ारा है। बहुत अच्छी तराशी कढ़ाई की गई है अंदर, ये जो शीशे की अपना कारीगरी है बहुत ही बढ़िया, अति सुंदर। ये आपको दिखाते हैं ऊपर की तरफ, ये गुंबद है जो, ये देखिए अंदर से देखिए इसके, इस पर कितनी बढ़िया कारीगरी की हुई है। मैं कभी वैसे जाता तो नहीं हूँ इतना कहीं किसी भी मज़ार वगैरह में, पर वीडियो बनाने के लिए तो मेरे को आना ही पड़ेगा दोस्तों। ये देखिए, मेरे तो यहाँ की कारीगरी देख के मेरा हैरान हो रहा हूँ मैं, कैसे ये की गई है पूरी आखिरी तक ऊपर तक। यहाँ जैसे ही कोई रोशनी पड़ रही है धूप की, तो नीचे तक इनको लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतना उजाला है अंदर। ये देखिए, तो दोस्तों ये एक कुआं भी है, इसको भी लोग ऐसे पकड़ के बैठे रहते हैं कि यहाँ भी बुरी आत्माओं से आपको यहाँ जाली को पकड़ने से छुटकारा मिलता है। जो भी अंधकार से आई हुई आपकी आत्माएं जो भी है, वो इसी कुएं के अंदर वापस चली जाती हैं। ये देखिए, ये कुछ लेडीज़ कुछ जैसे बेहोश पड़ी हुई हैं, मुझे तो अजीब सी फीलिंग आ रही यार यहाँ के, सच में यार क्या चीज़ है ये। ये देखिए सामने एक फ़ोटो टंगी हुई है, मैं जानता नहीं हूँ गुरु जी का नाम क्या होगा, पर जो भी हैं धार्मिक हिंदू गुरु जैसे ही लग रहे हैं। ये देखिए, ये भाई साहब को भी कुछ हो रहा है, कुछ अजीब। तो दोस्तों यहाँ पर एक कव्वाल भी बैठे हैं, आपको उनके पास लेके चलते हैं, देखते क्या गा रहे हैं। क्या बात है भाई, I'm gonna make you mine.
साडे नाड़ा वालों होण दी तेरी मर्जी है साडे नाड़ों वालों होण दी साडी मर्जी है तेरे पीछे कख होण दी साडी मर्जी है तेरे पीछे कख होण दी दुख पिछला ही जोगी सानू रहना है दुख पिछला ही जोगी सानू रहना कभी बसना दिल मुड़ दे जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना कभी बसना दिल मुड़ दे असी नित दा भी छोड़ा नहीं हो सहना है असी नित दा भी छोड़ा नहीं हो सहना कभी बसना दिल मुड़ दे। अब बात है उस्ताद जी क्या बात है मजा आ गया बढ़िया लगू सुनने वाले नु बढ़िया लगना चाहिए तेरे जोग दा की फायदा जे संजोग ही न
ਜਮਾਨਾ ਰੱਬ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇਰੇ ਜੋਗ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਸੰਜੋਗ ਹੀ ਨਾ ਚਿੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣੇ ਮਾਨਾ ਰੱਬ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਲਾ ਦੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾ ਦੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਜੋਗੀ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ।